क्वेश्चन है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल स्टेट्स इफ एनी एंड गिव रीजंस। इसमें से ए बी सी डी ई पांच सेट दिया हुआ है, इसमें से आपको एक पेयर ढूंढना है, एक पेयर ढूंढना है जो इक्वल सेट है अगर है तो, और क्यों है वो बताना है आपको। पहला क्या है, ए इक्वल टू सिंगल एलिमेंट जीरो, यहां पे क्या है जीरो इज एलिमेंट ऑफ ए। यहां पे ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि ए नल सेट है, ए एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, ए के अंदर एक एलिमेंट है जो जीरो वैल्यू का है, इसलिए ए नल सेट नहीं है। ये लोग हमेशा इसमें कंफ्यूजन करते हैं, जीरो लिखा है तो लोग बोलेंगे ये तो नल सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का एग्जांपल क्या होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर उसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। बी क्या कह रहा है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। मतलब एक्स 15 से अधिक भी है और 5 से कम भी है, ऐसा हो सकता है क्या? 5 से कम भी हो और 15 से अधिक भी हो, नहीं हो सकता है ना। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब बी एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो बी इज नल सेट, बी इज अ नल सेट। नाउ सी क्या कह रहा है, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो क्या हुआ, एक्स इक्वल टू फाइव सी हो गया फाइव। अब डी देखते हैं, डी व्हाट इज डी, डी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू हो गया क्या 25। अब इसका दो आंसर आएगा, या तो प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा। प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए तभी 25 हुआ, और माइनस 5 का स्क्वायर कीजिए तभी 25 हुआ, माइनस स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, तो एक्स विल बी 5 और माइनस 5, और कोई कंडीशन इसमें लिखा हुआ नहीं है, सिंपल लिखा। इसमें कोई अगर लिखा रहता कि एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर तब हम लिखते कि प्लस 5 है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 बस। तो एक्स दो है, प्लस 5 माइनस 5, तो डी इज फाइव कॉमा माइनस 5। नाउ ई क्या है, ई इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन का जो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट आएगा उसका सेट e है,
तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अब देखिए 15, पहले 15 को निकालो, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे 3 × 5 हो गया 15। हम एक्चुअली इसको तोड़ते इसलिए हैं ताकि इसको तोड़ा जा सके, क्योंकि इसको तोड़ा जा सके और इसको हम एक मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ला सके। इक्वेशन सॉल्व आप पिछले क्लास में 9th 10th में किए होंगे, तो इस तरह के जब एक्स स्क्वायर एक्स और एक डिजिट रहता है तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, तो इसलिए तोड़ने के चक्कर में हम उसको इसको फैक्टर निकालते हैं। तो 15 is 3 × 5, और ये देखते हैं कि इससे ये क्या रिलेशनशिप में है। अब देखो 2 कैसे आएगा, 5 − 3 कैसे 2 आएगा ना, ये दो नंबर को माइनस करेगा तो 2 आएगा, यह -2 है तो -2 कैसे लिखेंगे, 3 − 5 = -2, ठीक है। तो हमें इसका इसके रिलेशनशिप निकालना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। अब आइए यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स को क्या लिखेंगे, -3 + 3x - 5x, ठीक है, 3x - 5x = -2x, ये हो गया -15 0। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, बाहर निकल गया एक्स स्क्वायर +3 x² + 3x, ठीक है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस निकाल दिए, 5 5 = 15, 5 माइनस है तो अंदर x रहेगा केवल, 5x -5 × x - 5x, ठीक है। अब यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, क्या हो गया यहां पे, प्लस -5 × + -5 × + हो गया -5, और ये 15 है ना, 5 × 3 = 15, -5 × 3 हो गया -15, ये आ गया पूरा। अब देखिए हमारा मकसद ये था रहता है कि कम से कम फैक्टर सेम आए, और सिंप्लीफाई कीजिए तो x − 5 × ये दोनों x + 3 = 0, यहां तक क्लियर है। इसको और सॉल्व करते हैं, अब यहां देखिए क्या लिखा है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशन निकलेगा, या तो x − 5 0 होगा या x + 3 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो x क्या आ रहा है, यहाँ -5 था उधर गया तो +5, इसको सॉल्व करें तो क्या निकल रहा है, यहाँ +3 था उधर गया तो क्या हुआ, राइट हैंड साइड गया तो क्या हुआ, -3, x = -3। अब आप सेट का जो लिखा हुआ है कंडीशन वो पढ़िए, क्या है लिखा हुआ, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीजर है और पॉजिटिव है, ये दोनों से पॉजिटिव कौन है, 5, तो e क्या हुआ, 5, -3 नहीं होगा क्योंकि -3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो e इज 5 ओनली। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, पांचों जो सेट है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके ये आया। अब क्वेश्चन था फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, अब बताइए कि इसमें इक्वल सेट कौन है, सिंपल है, देखिए a = 0, b = null set, c is 5, d 5 and -5 is 5। अब ध्यान से देखिए सर में एलिमेंट ए और बी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है ना, ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसमें 0 है, इसमें 5 है, ए के बराबर 5 भी नहीं है, ये भी बी और सी भी बराबर नहीं है, इसमें 5 और -5 दोनों है,
इसमें सिर्फ 5 है, तो सी और डी भी बराबर नहीं है, डी और ई भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें माइनस 5 है, इसमें माइनस 5 नहीं है, डी और ई भी बराबर नहीं है। तो क्या बच क्या है इसमें, देखो देखने क्या लग रहा है, इस देखने से ये लग रहा है, आप इसको देखिए ध्यान से और इसको देखिए, इसमें भी सिंगल एलिमेंट है 5, इसमें भी सिंगल एलिमेंट है 5, मतलब जो आंसर हुआ वो हुआ कि सी इक्वल टू ई। इस पूरे पांचों सेट में जो पेयर है इक्वल सेट का, द पेयर ऑफ इक्वल सेट इज सी एंड ई, एंड दिस इज द आंसर।